सभी को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। जैसा कि जिन भाइयों को अपनी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है, ऐसे कौन से भाई हो सकते हैं? आप कहेंगे सर आप रिजेक्ट करने की क्यों बोल रहे हैं, सभी अप्रूव करते हैं लेकिन आप रिजेक्ट करने की क्यों बोल रहे हैं? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने चॉइस फीलिंग की? जी हाँ, आप चॉइस फीलिंग कर चुके हैं पहले ही। अब उच्च पद प्रभार के कारण आप बाहर हुए थे या अति से शिक्षक के कारण आप बाहर हुए थे। आपने चॉइस फीलिंग करने के बाद आपको स्कूल मिला, आप उस स्कूल में गए और आपको पता चला कि यहाँ पर उसी विषय के शिक्षक आ चुके हैं अति शेष में। अब क्या होगा? अब आपको दूसरा स्कूल कब मिलेगा? दूसरा स्कूल जब तक आप अपनी रिक्वेस्ट को साला प्रभारी से रिजेक्ट नहीं करवाएंगे तब तक आपको दूसरा स्कूल मेरिट में नहीं मिल सकता मित्रों। हाँ, तो जिन भाइयों की जगह पर टीचर आ चुके हैं और उस स्कूल में अगर आप की जो रिक्वेस्ट आपने भेज दी है तो आपको किसी भी कंडीशन में उसको रिजेक्ट करवाना है। हाँ मित्रों, रिजेक्ट जैसे ही आप करवाएंगे उसमें कुछ कैरेक्टर शब्दों में यह भी बताया जाता है कि कारण भी बताना है, तो उसमें साला प्रभारी लिख देगा कि यहाँ पर इस विषय के शिक्षक आ चुके हैं और यहाँ पर इनके लिए वैकेंसी खाली नहीं है, तो DPI तुरंत आपके लिए दूसरा स्कूल अलॉटमेंट करवा देगा मित्रों। हाँ, बहुत सी जगह ऐसे अतिथि शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जा रहा है जानबूझकर। मित्रों, जानबूझकर रिजेक्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसका कारण क्या है? अब अभी मेरे पास में एक फोन आया टीकमगढ़ से, सर अगस्त में ही पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षक के आधार पर हो गया था, साला प्रभारी मेरी जॉइनिंग को रिजेक्ट कर दिए और रिजेक्ट कर दिए जबकि स्कूल में बच्चे भी अच्छे हैं, सब कुछ है, DPI भर्ती कर रहा है, साला प्रभारी बीच में ही अतिथि शिक्षकों को भगाने में लगे हुए हैं। मित्रों, कहीं ना कहीं साला प्रभारी के लिए रेफरेंस कोड देना होता है और जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव करना होता है। वो अप्रूव जैसे ही करता है तो संकुल की लिस्ट में जो कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सूची होती है वो आ जाती है, यानी आप ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन होने का यही एक प्रोसेस होता है। आपको स्कूल मिला, आपने रिक्वेस्ट भेजी, साला प्रभारी ने अपनी यूनिक ID और एम शिक्षा मित्र के पासवर्ड से उसको खोला और वहां पर दो ऑप्शन उनको मिलते हैं। अतिथि शिक्षक सत्यापन जैसे ही वो करेंगे वहां पर आपका नाम प्रदर्शित होता है मित्रों, और जैसे ही आपका नाम प्रदर्शित होता है उस पर लिखा रहता है अप्रूव एंड रिजेक्ट। अब जैसे ही आप अप्रूव करते हैं तो वहां पर सक्सेस आ जाता है, ग्रीन टिक आ जाता है और उसमें आपका रेफरेंस नंबर होता है जिसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या कार्यरत अतिथि शिक्षक रिपोर्ट में जाकर रेफरेंस कोड नहीं ले पाए हैं तो बाद में भी ले सकते हैं। हाँ, तो इसलिए जिन भाइयों को स्कूल मिले हैं और वहां पर शिक्षक आ चुके हैं वो अपनी अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग की जो रिक्वेस्ट है वो साला प्रभारी से रिजेक्ट करवा दें। रिजेक्ट करवाने के लिए आप थोड़ी छानबीन करें स्कूल में, आप प्रोफाइल खोलें और दूसरे लोगों से भी जानकारी लें कि आखिरकार स्टाफ कितना है, बच्चों की संख्या कितनी है, कौन से विषय के कौन से शिक्षक हैं। ये सारी छानबीन आप करने के बाद में अपनी ज्वाइनिंग को रिजेक्ट करवा दें। हाँ, और अगर झूठ बोला जा रहा है आपके साथ में, उस विषय का कोई शिक्षक नहीं आया है, तो आप अपनी ज्वाइनिंग को रिजेक्ट नहीं करवाएंगे, अप्रूव करवाएंगे। जी हाँ, और जब अप्रूव करवाएंगे, देखिए आप 3 महीने से परेशान हो रहे हैं, आपने चॉइस फीलिंग की, और मैं पुराने अतिथि शिक्षकों के साथ हूँ मित्रों, जो मेरे पुराने अतिथि शिक्षक हैं 10-15 वर्ष सेवा देने के बाद कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अनुभव के मात्र 20 अंक दिए, 25 अंक को हटा लिया और 25 अंक को हटाने के बाद उनको कोई स्कूल नहीं मिले। कई अतिथि शिक्षक बेचारे परेशान हैं, आखिर उनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि हम करें क्या। जैसा कि 10-15 साल काम किया, बच्चों की नज़र में शिक्षक, घर वालों की नज़र में शिक्षक, रिश्तेदारों की नज़र में शिक्षक, लेकिन नाम अतिथि शिक्षक, तो इस तरह की विडंबना है मित्रों।
बाकी डॉक्टर मोहन यादव ने अतिथि शिक्षक मानदेय को लेकर तो कुछ नहीं किया है, लेकिन कर्मचारियों के लिए 28 अक्टूबर तक किसी भी कंडीशन में मानदेय देने की बात की है। हाँ तो भाइयों सभी की मदद भी कर रहा हूँ मैं, हेल्प टेलीग्राम पर आप मुझसे जुड़े हैं, अगर पहली बार में अतिथि शिक्षक बने हैं तो आप कुछ ना करें पोर्टल पर, किसी समझदार व्यक्ति से ही करवाएं। और कुछ ऐसी शाला हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है और वहां पर अतिथि शिक्षकों ने चॉइस फीलिंग की थी, तो वहां पर आपको रेफरेंस कोड नहीं मिल रहा होगा। तो रेफरेंस कोड कहां मिलेगा, अगर ऐसा कोई नया वाला अतिथि शिक्षक जिसका रेफरेंस कोड ना मिल रहा हो, उसने रिक्वेस्ट कर दी हो, पता नहीं रिक्वेस्ट कहाँ गई है, तो वो मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, पूरा आपका सहयोग करूंगा और आपकी ज्वाइनिंग भी करवाऊंगा। तो फिर आता हूं मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों जागे ना जागे मुकद्दर आपका, मेरा फर्ज आग लगाते रहना। फिर मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए।